बोल्ट क्लोन भी 12 घंटे चलाने का कोई फायदा नहीं। बेटर क्या है यहाँ पे, ये अपनी गाड़ी ले रेंट की, भाई पुलिस की बड़ी टेंशन है। मैं तो चलिए शुरू करते हैं। When I look into her eyes, I see paradise. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी व्लॉग्स। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अदेसा की टैक्सी का क्या यहाँ हिसाब है, कितने घंटे चलाओ कितना बचता है, एंड कैसे अर्निंग होती है, पुलिस का क्या चक्कर है, ओवरऑल गाड़ी में गाड़ियाँ कैसे मिलती हैं यहाँ पे, एंड आधा आधा करके फ़ायदा है, पूरे 24 घंटे रखने का फ़ायदा है, क्या क्या चीज़ें हैं, ओवरऑल जो भी टैक्सी को रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारे साथ है मेहमान भाई आज। हेलो भाजी। मान भाई चलाते थे, अभी बीच में इन्होंने थोड़ा छोड़ दिया, अभी दोबारा लेने वाले हैं। इनकी गाड़ी खड़ी है गैराज पे। जेटा ले रहे हो? जेटा वॉक्सवैगन जेटा। छोटी मोटी गाड़ी में तो हाथ ही नहीं डालते हमारी तरह लोगान वोगान में, सीधा जेटा ही चलती है इनकी जी। तो अभी ये लोग भाई तुम्हें बताएंगे कि अर्निंग कितने घंटे में कितनी होती है, क्योंकि कीव से कीव में और ओडेसा में फर्क है। यहाँ कीव की अर्निंग में और ओडेसा की अर्निंग में फर्क है, लेकिन जो लोग ओडेसा आ रहे हैं उनको नॉलेज पढ़नी चाहिए। वैसे मतलब जिससे ओडेसा आके काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बेनिफिट भी है वो बेनिफिट भी बता देंगे, नुकसान है वो भी बता देंगे। तो अभी इनसे बात करते हैं। तो भाई अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजें कंफर्म करते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ओडेसा में चलाई नहीं, मेरे को कीव का आइडिया, कीव का मैं तुम्हें बताता रहूंगा। पहले अभी ओडेसा आया तो ओडेसा का कवर कर लेते हैं क्या सीन है। तो भाजी ये बताओ कि जैसे अपने कीव में है कि भाई पुलिस की बड़ी टेंशन है, मैं जो पकड़ लेता। वैसे कीव में भी ऐसा नहीं है कि तुमने देख लिया पकड़ लिया, अगर रूल तोड़ोगे तो पकड़ेंगे, पर लेकिन फिर भी वहाँ पे पुलिस वालों का बहुत रहता है डर, सबके अंदर रहता है डर। तो यहाँ पे क्या सीन है पुलिस वालों का, क्या हिसाब है? एथे पुलिस वाले का सीन है कि एथे कोई डर नहीं है पहले नंबर ते, जे इनकेस तुहानू फड़ भी लैंदे आ तां ज्यादा तो ज्यादा ना सही 100-200 शतराफ दे के, मतलब के पैसे दे के उन्हां नू तुसी छुट सकदे हो, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं करदा, कोई कुछ नहीं है। जिन्हां दे कोल इंडिया तो लाइसेंस बनवा के आए आ उह भी चला रहे आ, जिन्हां दे नहीं बने लाइसेंस उह भी चला रहे आ, कई तां आधार कार्ड ते ही चला रहे आ, उह भी कर राशन कार्ड दे। हां उही के बढ़िया था गुरु, ही कह दें भी साढ़े कोले ही आ, साडा यही आ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, समझ तो आती है। हाँ ते बाकी पुलिस का कोई चक्कर नहीं है, अपना वधिया आरामदारी नाल चलाओ। बाकी रूल्स वगैरह तो थोड़ा जा देखना पैंदा वा, रूल्स वगैरह तुसी ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली गल आ के पुलिस वो तुहानू फड़ूगी आके, ठीक है, पड़ेगी। और इतना नहीं है वैसे ओडेसा में, पर कीव में बहुत ज्यादा सिकनेस है, क्योंकि कीव में इतना ज्यादा नहीं फड़दे है कि कोई भी नंगी ज्यादा नंगी जान दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है इतने, बस बहुत रेयर है कि खड़े मिल गए तो है, वरना नहीं है। एंड बाकी फिर यार जाम वगैरह का बताओ, जैसे कीव में अपन आ गया पंगा क्या है ना, कीव में अगर सुबह निकल जाओ, मैं जैसे मैं रात में जाता हूँ और सुबह में मान लो मेरे को 5:30-6:30 हो गए घर आते आते, मैं सोचू राइड मारने का, फिर मेरा मन जाता है क्योंकि रात में मैं चलाता हूँ खुली गाड़ी, रोड में टन टन चल रहे 110-120 पे। अब सुबह होता है जाम, हमारे वहाँ जाम बहुत होता है यार कीव में, मतलब हर टाइम भी नहीं कह सकते हम, मतलब दोपहर ऑफिस टाइम में जाम होता है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जाम का क्या सीन है? यहाँ पे जाम का ऐसा सीन है कि जहाँ पे जाम भी बिल्कुल बहुत कम रहता है, कम से कम सुबह शाम जब टाइम मर्जी चला लो। हाँ एक बात है कि बारिश के समय में बहुत ज्यादा जाम रहता है। बारिश के समय में क्यों रहता है उसका कुछ वो पता नहीं है कि रोड वगैरह का, रोड रोड के जहाँ तक मैंने एनालाइज करा है कि रोड यहाँ पे एक यहाँ पे नुकसान एक चीज का है। हाँ रोड रोड खराब है, थोड़े से खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि छोटी जगह है एंड यहाँ पे बीच में उन्हीं रोडों पे ट्रैम्प है, उन्हीं रोडों पे बसों का चक्कर है, सेंटर भी है, फिर साथ में क्योंकि ओडेसा इतना बड़ा नहीं है, कीव मेरे ख्याल से कीव ज्यादा बड़ा है। अगर ओडेसा सिटी के बारे में बात करें तो ओडेसा सिटी इतनी बड़ी नहीं है, उस हिसाब से उसकी अर्निंग में क्या फर्क पड़ता है वो भी आगे आगे बताएंगे। तो रोड इतने खास है नहीं। और जहाँ रही बात एक और नुकसान मेरे को जो यहाँ लगता है, अगर कीव में हम गाड़ी चलाते ना तो भाजी बिना मैप के भी चला सकते हैं हम, वहाँ पे सिंबल्स इतने हैं कि देख देख के पता लग जाता है, बंदा अपने आप मुड़ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सिंबल्स का भी थोड़ा सिग्नल्स का ही है बस, और ज्यादा कोई इशू है नहीं यहाँ पे। इंडिया वाली फील आ जाती है कभी कभार क्योंकि थोड़ा रोड वोड थोड़े टूटे हुए हैं, ये सीन है बस, और ज्यादा कोई इतना बड़ा भी इशू नहीं है रोडों का, तो चल जाता है काम। बाकी फिर भाई बात आ जाए हम गाड़ियों का कैसे गाड़ियों कैसे होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे कीव में तो भाई बहुत बंदे मिल जाते हैं, ऐप वहीं पे है, टेलीग्राम पे
और ग्रुप्स पे आ जाते हैं कि ये गाड़ी रेंट पे, गाड़ी रेंट पे, आपसदारी में, यहाँ पे क्या सीन है? जहाँ पे आपका मेन होता है जो घूमता है फ्रेंड सर्कल पे, फ्रेंड सर्कल है तो आगे से आगे पता चल जाता है। और नंबर दो पे जहाँ पे जैसे कि गैराज वगैरह है उनसे जाके पूछ लो, वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं इंडियन इंडियन है, पाकिस्तानी है, अरबी है, वो रेंट पे दे देते हैं, ठीक है जी। तो बाकी यहाँ पे रेंट पे कार मिलती है, अगर आप 24 घंटे की लेते हो तो 500 ग्रीवन मतलब की होता है 600 डॉलर महीने का जी बिल्कुल। ये होता है, बाकी मेंटेनेंस जो होती है वो कुछ बंदे हैं जो आधी आधी कर लेते हैं, जैसे मेरी मेरी गाड़ी की अधोधी है, हमारे अधोधी बोली की आधी, कुछ बंदे होते हैं अच्छे होते हैं वो बोलते हैं कि हम ही करवा देंगे, ठीक है। तो ओनर पे डिपेंड है, हाँ ओनर पे डिपेंड है। बाकी डाउन जो होता है हमारी रेंट होता है, सिक्योरिटी का कैसी है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी $100 लेते हैं यहाँ पे। तो पासपोर्ट वासपोर्ट रखते हैं? कुछ नहीं रखते जी, जैसे कीव में थोड़ा सा है यार, कीव में भी बस सबका नहीं बोलता मैं, कुछ लोग हैं जो पासपोर्ट भी रखते हैं कि नहीं हम पासपोर्ट रखेंगे सेफ्टी के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मे बी यहाँ पे भी हो, कुछ लोग हो, हर जगह होते हैं कुछ टेढ़े मेढ़े से, तो ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ी रेंट गाड़ी रेंट करना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है क्योंकि इतना बड़ी जगह नहीं है। इंडियंस हैं यहाँ पर मोस्टली इंडियंस वो हैं जो MBBS वाले, जैसे हमारे कीव में जितने सब काम वाम में लगे पड़े हैं, पढ़ने वाले सारे कमी है वहाँ पे, वहाँ पे सब बिजनेस वाले ही हैं। तो यहाँ पे यही चक्कर है, थोड़ा रेंट पे लेनी पड़ती है, कुछ बंदे कीव जाके ले आते हैं। कीव तो भी लगे हम पाजी के साथ भी इंसिडेंट हो गया था, एक बताना चाहोगे? वो नहीं बस रहने दो, तो किसी का नाम लेना है भी, बंदे फिर मुड़ के गुस्से हो जाएंगे जिन्होंने मेरे को कमेंट करेंगे। पाजी के साथ भी थोड़ा सा हो गया था, स्कैम हो गया था, बताएंगे नहीं किसी का नाम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस थोड़े से गाड़ियों के स्कैम से भी बच के रहो, मतलब थोड़ा भरोसा थोड़ा देख के करे करो किसी पे करते हो तो ठीक है। फ्रेंड सर्कल ही मेन है ना, तो ये फ्रेंड सर्कल पे मिल जाती है गाड़ियां इधर उधर किसी के पास घूम फिर आके किसी पे हो तो। और बेटर क्या है यहाँ पे, अपनी गाड़ी लें या रेंट पे लें? अगर बंदे के पास ब्योत है, पैसे है, तो उन्हें क्या अपनी गाड़ी लेने का? बंदा अपनी गड्डी लवे वधिया आरामदारी नाल सब कुछ, ना रेंट कड्डन दी जरूरत, ना तेल दे खर्चे, $600 40,000 40 प्लस 500 जेब में जाएगा, 40 $600 कितना होगा, 40 प्लस हो गया, 40 प्लस जो पैसा जो तुम गाड़ी रेंट पे दे रहे हो। अगर उदय समय देखो कीव में तो लोग कहना, मैं बताता हूँ कीव में हम कर देते हैं आधा आधा, एक गाड़ी है कोई बंदा चला रहा है तो रेंट मान लो 540 रेंट है, 500 रेंट, 550 रेंट है, वो आधा आधा दो बंदे देते हैं, 12 घंटे की चला लेता है, 10 घंटे की चला लेता है, 12 घंटे भी छोड़ो, 2-4 घंटे गाड़ी को रेस्ट भी है, तो हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे उदेश में क्या है कि जो पाजी का बताया कि यहाँ पे 10-12 घंटे चलाने का कोई फायदा नहीं है उदेश में, क्योंकि इतना काम नहीं बन पाता। फिर यहाँ पे बंदे अगर चलाते हैं या तो फिर 15-16 घंटे चलाते हैं तब जाके कुछ बन पाता है। लेकिन जो है कि थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को जो मेरे को फायदा ये थोड़ा रहना सस्ता है, खाना पीना वैसे ही है, थोड़ा सस्ता है, खाना पीना भी ठीक है, मतलब इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे, छोटी सी सिटी है, हर जगह पास पास में ही काम हो जाता है, दूर जाना भी नहीं पड़ता किसी काम के लिए, बस अपना आओ टैक्सी चलाओ, मतलब थोड़ी पीस जगह है। कीव में जैसे चीची पंप पे ज्यादा है ना थोड़ी सी भीड़ भड़का ज्यादा है, यहाँ पे उस हिसाब से पीस ज्यादा, और इंडियन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एंड अगर तुम फूड के मामले में लोगे तो मेरे को तो बेस्ट लगा था, जो अपना मंदी उंदी खा के आए थे अपने, तो बहुत चीजें अपन खा के आए थे, मस्त मस्त चीजें, तो बाकी चीजें सारी ठीक है। थोड़ी रेंट की दिक्कत आ जाती है, गाड़ी की रेंट करनी पड़ती है, कोई बंदा कीव से भी कर आता है। बाकी भाई हम आ जाते हैं, बात मेन टॉपिक आ जाता है कि तुम पहले बताओ तुम कितने घंटे काम करते थे, मतलब तुम्हारा क्या शेड्यूल था? बाजी देखो मैं थे 7 किलोमीटर च काम करता, उस तो बाद चो आके 4 बजे नु फ्री हुंदा सी, उतो 5 बजे नु घरे, ते 7 बजे तो स्टार्ट कर दंदा सी, 7 तो लैके 1 बजे तक मैं रात दी गड्डी चलाउंदा सीगा, 6 घंटे अच्छा। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें मैं अपना तेल का खर्च प्लस रेंट और जो अपनी बचत होती थी 300-400 ग्रीवनी, ठीक है, वो मैं बना लेता था, ठीक है। और जो मतलब कि मेन ये है कि अगर गाड़ी लेनी है तो कम से कम 15-16 घंटे आप काम करो, ठीक है, 15-16 घंटे काम करोगे तो आप मतलब कि $100 तक
आराम से कमा सकते हो, मतलब 12 घंटे में भी कमा सकते हो, क्योंकि उसमें से मान लो 1000 खर्चा भी निकल गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब भी 1200 बच गया, कोई माड़ा नहीं 1200, इंडिया का 3500 रुपए जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अपना रेंट निकाल के भी बंदे, यहाँ पे मैंने ये देखे हैं, अपना जो खर्चा है, गाड़ी का खर्चा जो भी है, तेल का खर्च निकाल के भी $100 जेब में लेके आते हैं। करने वाले बहुत करते हैं, जो लगे रहते हैं ना गाड़ी में। क्योंकि पता क्या, यहाँ पे एक चीज का यार ये भी है कि ना, जितना जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे रस्तों को, क्योंकि क्या होता है, मैप कभी का रास्ता दिखा था कोई और, पर हमें पता होता है कि भाई ये छोटा रास्ता, पड़ा छोड़ी राइट, दूसरी पकड़ ली। बिल्कुल, एंड कुछ बंदे रेस्ट भी नहीं लेते भाई अपना, यही है। देखो सर्दियों का टाइम है अपना, आ रहे हो, अपने पास कॉफी वगैरह रखो भर के, मस्त थर्मोस में अपना चलते रहो, अपना पियो थोड़ी सी, फिर चलते रहो। बढ़िया काम है, बर्फ आ रही है वैसे ही भाई, बहुत ठंड हो चुकी है। एक और चीज बीच में ऐड कर देता हूँ भाई, टैक्सी की वीडियो पर फिर भी वेदर हो गया बहुत ठंडा, फट रखी है बढ़िया तरीके से, तो लेकर आओ कपड़े वपड़े, वरना गांड जम जाएगी भाई तुम्हारी। बिल्कुल कुल भी बन जाएगी भैंस की आंख। बिल्कुल तो भाई और बताओ फिर, क्या तुम्हें लगता है प्रोज एंड कॉन्स, क्या मतलब क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इनके, गाड़ी टैक्सी के? देखो और भाई, जहाँ रह जाती है बात की, चलती क्या है, बोल्ट क्लोन भी चलती है? हाँ, बोल्ट भी चलती है, क्लोन भी, उबर भी, और कौन सी है, और तो कोई है नहीं, इनड्राइव है, लेकिन उसमें थोड़ा बंदे को ना रशियन आनी चाहिए तभी बोल्ट में पैसा ज्यादा है। पर है ना, बोल्ट अच्छी है, सबसे अच्छी, मतलब के ज्यादा प्रेफर लोग बोल्ट को करते हैं। बोल्ट में कमाई भी बढ़िया है, हर चीज बढ़िया है बोल्ट में। जी जी बिल्कुल, नजारे हैं, हम भी करते हैं बोल्ट में, बोल्ट में अच्छा है कमाई, बोल्ट अच्छा है, सही रेट देती है। मतलब कि आपको ऐसा है कि सवारी छोड़ी दूसरी पकड़ी, सवारी छोड़ी दूसरी पकड़ी, ऐसा है, काम ज्यादा है बोल्ट का। हाँ काम ज्यादा है बिल्कुल। तो मतलब एक एंड में अपन एक बात करें कि अगर बंदा मान लो 15 घंटे काम कर रहा है, तो बंदा कितने ले आएगा, कितने बचा लेगा अपने पास? अगर बंदा 15 घंटे करेगा तो कम से कम मेरे हिसाब से 12 खर्चा से? खर्चा निकाल के, खर्चा निकाल के 1500 से लेके 2000 के बीच में लेके आएगा। ओडेसा में भी, मैं कीव में तो मान सकता हूँ, ओडेसा में भी भाई, ओडेसा में भी है काम इतना है। हाँ है, अभी दिखाता मेरा फोन उधर पड़ा है, नहीं तो अभी दिखा देता। ये फोन की हमने फ्लैशलाइट बना रखी है, फ्लैशलाइट चला रही है। तो पाजी यार ये आते थे काम से, 7 किलोमीटर मार्केट है, वहां से काम से आते थे, तो ये कह रहे 6-7 घंटे करते थे हम, तो ये खर्चे निकाल के 300-400 पर जा रहे थे 7 घंटे में जी। वो भी थके थकाए आते थे, कैसे कैसे काम करते होगे, इतना काम वहां पे है जो 12 घंटे वहां काम, सुबह 5 बजे जाना, 5 बजे आना, फिर 6-7 बजे यहाँ निकल जाना, तो बंदा थक जाता है, फिर वो उस लेवल का काम होता नहीं है, बंदा चिड़े चिड़े में गाड़ी चलाता है, कस्टमर को भी गाली देता है, तेरी मारी जल्दी उतर। तो जी जी जी, ये सीन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी कोई इशू नहीं है, आओ यार जी भर के आओ, देसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जगह, छोटी जगह, बहुत प्यारी है, इंडियन खाना भी मिल जाएगा बड़े इजीली, इंडिया में की में तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़े महंगे भी है। यहाँ पे तो अपना है करी हाउस है, और मंदी वाले का क्या नाम है, इंडियन तंदूरी है, और मंदी वाले का यार नाम मैं भूल गया फिर से, पता नहीं। मंदी बोलते ना किसी को भी भेज देगा कोई भी, वहाँ मिलती है बिरयानी बड़ी, चिकन पिकन से बहन जो, पता ना क्या क्या मिलता है वहाँ। हाँ अच्छी है वो तो आपने टेस्ट किया, खा के आए थे अपन वहाँ पे, बढ़िया था सिस्टम जी। बाकी इसी को हेल्प वेल्प चाहिए हो तो भाई उदेशा में बता देना जी। गाड़ी वाड़ी भाई है आप करा तो रेंट रूंट है जाने वाले? हाँ जी हाँ, जाने वाले हैं, जानने वाले हैं जी, जी जी जी। फिर भी मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा भाई का, यहाँ पे मेरे को बता देना यार, तभी दे पाऊंगा जी जी। यहाँ इंस्टाग्राम लिंक भाई का आ रहा होगा, इधर कहीं ऊपर नीचे आ रहा होगा, ठीक है, उसके बाद ही मेरा भी आ रहा होगा यहाँ कहीं आस पास जी। फॉलो कर लो भाई को, फॉलो कर लो, इनको मैसेज वेसेज कर देना, किसी को हेल्प चाहिए ओडेसा में, फालतू मत करना यार, बिजी रहते हैं बंदे, ये मेरे को करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो पहले आदमी है, कोई चक्कर ही नहीं। तो इसी के साथ व्लॉग करते हैं, होप करता हूँ एक ओवरव्यू सा था, मतलब एकदम डीपली नहीं हमने वीडियो बनाई कि एकदम प्रॉपरली चीजें दिखा के, पर एक जो ओवरव्यू होता है कि बंदे को थोड़ा सा समझ में आ जाएगी कैसे हिसाब चलता है यहाँ पे, है ना जी, जी, जी। उस हिसाब को लेके होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो प्यार दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर दो, ठोक दे करो बटन बटन जरूर ठोको, सब्सक्राइब ठोको और कुछ नहीं ठोकना आगे, मैं जो कहीं जरूर ठोको देख के, फिर बोल दो सैनी भाई आपने कहा था जरूर ठोको, हम ठोका है नहीं, लाइक
गंदे काम करो हाँ ठीक है ना टोकना नहीं गंदे कामों से बच के मैं तो दूर ही रहता हूँ भाई जी दूर ही रहता हूँ बिल्कुल तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आज मैं फिर उदेश आया था ये पहले मैंने शूट करना था जो पिछली बार आया था ये मैं एक दो चार दिन बाद फिर आ गया मैं भाई का प्यार बुला ला था मेरे को फिर आ गया अब कल अभी रात को फिर निकल रहा हूँ मैं यहाँ से बस ये शूट करके भैया का बर्थडे है परसों परसों ये पता नहीं वीडियो बर्थडे के बाद आएगी पहले शायद कल ही आ जाए क्या पता है लेकिन मैंने तो बता दिया ना 13 तारीख को है 13 तारीख को है भाई भैया को बर्थडे जो विश जरूर कर देना है ना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिए अपना अपनी फैमिली का बाय बाय सत श्री अकाल खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया